मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए।